श्रील प्रभुपाद की जय। सो आज हम नारद भक्ति सूत्र का जो तीसरा अध्याय है कि भक्ति प्राप्त कैसे होती है, उसके बिल्कुल जो आखिरी सूत्र है, सूत्र नंबर 50, आज उस पर चर्चा करते हैं। इस प्रकार है, सतरती सतरती लोकांश तारयति, कि वही तरेगा वही तरेगा, मतलब निश्चित रूप से वो व्यक्ति तर जाएगा, और ना केवल वो तरेगा बल्कि वो लोगों का भी उद्धार कर देगा। तो इस पर डिस्कशन करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। आज अनुलंबित भुजाओ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़ोदय पुष्पन्दो चित्रो छंदो तमोनुदो पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एक पुरुष पुराणा श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारे कृपां बुद्धिर्यस्तम अहम प्रपत्ते। हरे कृष्णा। तो नारद जी ने शुरुआत की थी करीब 6-7 सूत्र पहले कि कौन तरेगा कौन तरेगा, और फिर उन्होंने व्याख्याएं की थी कि कौन तरेगा। तो उन्होंने बोला जो सत्संग करेगा, जो डिवोटिस को वैष्णव को जो सर्व करेगा सेवा करेगा वो तरेगा, जो असत्संग का त्याग करेगा वो तरेगा, और उन्होंने बोला कि जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा वो तरेगा, जो निर्द्वंद हो जाएगा, जो द्वंद्वों से इच्छा द्वेष समुत्थेन, जो इच्छा और द्वेष से मुक्त हो जाएगा वो तर जाएगा, और उन्होंने बोला कि जो सेफ्टी नेट अपना, जो अपनी भौतिक सुरक्षा पर निर्भरता को त्याग देगा, और जो भौतिक जो आय है इनकम है प्रॉफिट है योग योग क्षेम, जो भौतिक आय है उस पे अपनी निर्भरता को त्याग देगा वो तर जाएगा। और ऐसे उन्होंने लास्ट में 49th सूत्र में उन्होंने बोला कि जो वेदों को भी त्याग देगा वो अविच्छिन्न कृष्ण भक्ति को वो प्राप्त करेगा। तो कल हमने वेदों को त्यागने के ऊपर कल बात की थी। इस विषय में आपको एक और जानकारी दे देता हूँ कि जब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ जा रहे थे अद्वैताचार्य की मनोभीष्ट पूरा करने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य को बहुत सम्मान देते थे, अपने गुरु भाई के अपने गुरु के गुरु भाई के रूप में उनको एक गुरु का ही सम्मान दे रहे थे वो। तो जो अद्वैताचार्य को पसंद नहीं था, अद्वैताचार्य के मन की इच्छा थी कि चैतन्य महाप्रभु उनको एक सर्वेंट के रूप में एक्सेप्ट करें। तो चैतन्य महाप्रभु जा रहे थे नित्यानंद प्रभु के साथ में उनके मन की इच्छा को पूरी करने के लिए शांतिपुर। तो रास्ते में गंगा के किनारे रुके तो एक दारी सन्यासी का मतलब बेसिकली सिंपल भाषा में ढोंगी सन्यासी, सूडो सन्यासी जो है रेनन्सिएट, उसके उनसे मिले, और महाप्रभु ने उस पर दया करने के लिए उसकी कुटिया में प्रवेश कर दिया। तो जब प्रणाम किया उस दारी सन्यासी को महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने, तो उस दारी सन्यासी ने महाप्रभु को आशीर्वाद दिया कि आप आपका जो भौतिक जीवन है वो सुखों से भर जाए,
आपका अच्छी जगह, आपका जो विवाह, आपका गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छे से चले, आप यश प्राप्त करो। इस तरह के उसने जब आशीर्वाद दिए तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अरे भाई तुम कृष्ण भक्ति मेरे दृढ़ हो, ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तुम ऐसा आशीर्वाद क्यों दे रहे हो कि जो भौतिक जगत में मेरी आसक्ति बढ़ाएगा? तो उस दारी सन्यासी ने उस समय महाप्रभु को बोला था कि देखो, पता नहीं तुम इस बात से क्यों चिढ़ रहे हो भाई। मैंने तो एक तो तुम्हारे फायदे की बात बोली, तुम्हें धन संपत्ति, सुखी गृहस्थ जीवन का आशीर्वाद दिया, लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए, तुम्हें दे दिया और तुम मुझी में दोष निकाल रहे हो, तुम बिल्कुल एक पागल की तरह रख लो। फिर उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, उस दारे सन्यासी ने, वो अवधूत है। तो उसने मन में सोचा कि जरूर ये जो पागल सन्यासी है, इसके साथ रहने के कारण इसका ये जो द्विज है, ये जो ब्राह्मण पुत्र है, इसका माइंड आउट हो गया, दिमाग खराब हो गया। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने, जब उस दारी सन्यासी ने बोला कि वेद कह रहे हैं, वेदों का वचन है कि जो लक्ष्य है, अगर धन प्राप्त कर लो, स्वर्ग लोक प्राप्त कर लो, अच्छी पत्नी, अच्छी पत्नी, बच्चे, ये सब तो वेदों का वाक्य है। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला, और ये कुछ वर्सेस हैं, प्रयास हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। चैतन्य महाप्रभु ने बोला, वेदयो बुझाए स्वर्ग बले जना जना। और जो वेद हैं वो लोगों को बता रहे हैं कि जना जना जितने भी लोग हैं उनको बता रहे हैं स्वर्ग लोग बहुत महान हैं। वेद कह रहे हैं, मूर्ख प्रति केवल से वेदेर करुणा। लेकिन प्लीज आप इस बात को समझ लो कि वेदों ने ये वाक्य जो है केवल मूर्खों के लिए बोला हुआ है, समझदार लोगों के लिए जो ये भौतिक सुख है, स्वर्ग है और चंद्रलोक है, इन सब की बात वेदों में समझदार लोगों के लिए नहीं, धीर लोगों के लिए नहीं कर रखी, बेवकूफ लोगों के लिए कर रखी है। और चैतन्य महाप्रभु ने आगे बोला, विषय सुखे ते बड़ लोके रे संतोष, चित्त बुझी कहे वेद वेदेर के दोष। लोगों का माइंड ही उसमें लगा हुआ है, लोग चाहते ही हैं स्वाभाविक रूप से भोगों में लिप्त होना। अब लोगों की इच्छा को देखकर वेदों ने वैसे वचन बोल दिए, तो वेदों का क्या दोष है? वेद तो आपकी इच्छा को देख के रेगुलेट करने की, आपको एक शासन में लाने की बात कर रहे हैं, ताकि लोग बगावत ना करते। लोग बोले हो, हम नहीं मानते, उसके अंदर तो अड़ी अजीब सी बातें लिखी हुई हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने आगे उसको बोला, उस दारी सन्यासी को, धन पुत्र पाई गंगा स्नान हरि नामे। अब वेदों में लिखा है कि हरि नाम करने से और गंगा में स्नान करने से धन और पुत्र की प्राप्ति होगी, ये वेदों में लिखा हुआ है। और उन्होंने बोल, शून्य चले लोग वेदर कारण है, और क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है, लोग जा रहे हैं, लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, लाखों लोग माघ मेला में, कुंभ मेला में जाके गंगा स्नान करते हैं, त्रिवेणी में डुबकियां लगाते हैं लोग परिवार समेत जाकर, और हरि नाम कर रहे हैं लोग इसी कारण से। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु अवतरित हो रहे थे तो उस समय चंद्र ग्रहण लगा हुआ था, और जितने समर्थ ब्राह्मण थे वो सारे नवद्वीप में जाकर वो गंगा नदी में डुबकियां लगा के और भगवान के नामों का उच्चारण कर रहे थे शुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि वेदों में लिखा हुआ है। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, ये ते मते गंगा स्नान हरि नाम कैला। वो किसी ना किसी तरह से, चलो उन्होंने गंगा स्नान हरि नाम कर तो लिया, द्रव्यर प्रभावे भक्ति हई वे कहेला। और ये जो उन्होंने एक्टिविटीज की हैं, इसके फलस्वरूप उनको भक्ति में कुछ, उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ेगी, भक्ति में
उनके होने की संभावना उनकी प्रबल हो जाएगी उनकी। और आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ये जो प्रसंग है ये चैतन्य भागवत में अंकित है मध्य लीला के अंदर। तो आगे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, ऐ वेद अभिप्राय मूर्ख नाहीं बुझे। और वेदों का जो अभिप्राय है ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। कृष्ण भक्ति छाड़ी या विषय सुख माजे, और वो कृष्ण भक्ति को छोड़कर विषय सुख में मजे मतलब व्यस्त रहते हैं, रत रहते हैं। तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसकी टीका में बोलते हैं कि जैसे एक पिता है, शरारती बच्चा है, वो होमवर्क नहीं कर रहा, उसको स्कूल का काम करवाना है, तो वो काम करवाने के लिए जो उसके लिए भला है, उसके जीवन का कल्याण होगा, उसके लिए जो पिता है उसको बोलता है, चल तू ये काम कर, तेरे को टॉफ़ी दूंगा। तो वो काम करने का फल टॉफ़ी नहीं है, वो काम करने का फल जीवन में कल्याण होगा, आगे बढ़ जाएगा। वो टॉफ़ी तो एक इमीडिएट लालच है कि चल किसी ना किसी तरीके से तू भाई इस काम में लग जा किसी ना किसी तरीके से। तो यही वेद कर रहे हैं कि एक इमीडिएट एक लालच दे देते हैं कि चल ये ले, तू लॉलीपॉप ले ले, अच्छी पत्नी, अच्छी अच्छे पति की, धन की, संपत्ति की, पुत्र की, स्वर्ग लोक की, एक वो लॉलीपॉप दे देते हैं, चल तू शुरू तो कर। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है, जिसको जीवन का लक्ष्य पता है कि बाहर निकलना चाहिए, और इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु ने उस दारी सन्यासी से पूछा, अच्छा तुम कह रहे हो ना कि ये जो जो गृहस्थ जीवन है, धन संपत्ति है, ये सब जो है यही वेदों का लक्ष्य है। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा उससे कि अगर यही वेदों का लक्ष्य है तो भाई फिर छूट क्यों जाता है मृत्यु के समय, ये समझा दे। इस बात का जवाब नहीं दे पाए थे दारे सन्यासी। और दारे सन्यासी ने कहा, अब मैंने घूम लिया पूरे तीर्थ स्थान, चक्कर मार लिए, उम्र बीत गई मेरी, और तेरे अभी दूध के दांत नहीं टूटे, और तू आके मेरे को ज्ञान दे रहा है तू। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने बोला, छोड़ो बच्चा है, बच्चा है, छोड़ो, कोई बात नहीं, आप गुस्सा मत करना। नित्यानंद प्रभु उनको कह रहे थे। और फिर उद्धारी सन्यासी नित्यानंद प्रभु की बात सुनकर खुश हो गया, और मेरा सम्मान कर रहे हैं। और फिर उन्होंने बोला, चलो बैठो बैठो, कुछ खा लो। और स्त्री को बोला दारी सन्यासी ने, अब सन्यासी है, स्त्री रखी हुई है, उसको बोला इंतज़ाम करने के लिए, और खुद उसने जो है मदिरा पान करना शुरू कर दिया उद्धारी सन्यासी ने। और वो बार बार नित्यानंद प्रभु को बोल रहा था, लेनी है आनंद आनंद। नित्यानंद प्रभु ने कहा, नहीं नहीं हमने नहीं लेनी, हमें कुछ और काम है जरूरी, हम जरा निकलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, क्या कह रहा है भाई ये। नित्यानंद प्रभु ने कहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये हमें कह रहा है कि आप भी शराब पी लो। और वहाँ से भागे दोनों भाई, और सब वस्त्र चैतन्य भागवत में लिखा है, उन्होंने गंगा में छलांग लगाई उस दारी सन्यासी के कुसंग से मुक्त होने के लिए। और फिर तैरते तैरते वो चले गए थे शांतिपुर की ओर, शिला अद्वैताचार्य के मन की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो जो वेद हैं, जो लोग नीचे के स्तर पर हैं, जो लोग केवल इंद्रिय भोग के आगे किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, जैसे चारवाक है बोला है, अरिणम कृत्वा घृतम पिबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतो पुनर्जन्म भवेत। अब भैया कर्जा लो, डाका करो, चोरी करो, जैसे भी पैसे इकट्ठे करो, और घृतम पिबेत, घृतम पिबेत मतलब विलासिता से रहो, घी जो है विलासिता की निशानी है। शिला प्रपात के कई शिष्य तो बंगाल में प्रचार कर रहे थे बांग्लादेश की ओर, तो वहाँ पे जब लोग जो डिवोटीज हैं, जब घी के अंदर पूड़ियाँ तलते थे, तो जो वहाँ पे जो बंगालीज हैं, बांग्लादेशी हैं, वो उसके पास खड़े होके उसकी खुशबू लेते थे ऐसे। और भागवत में भी हमें प्रसंग मिलता है कि जब
कृष्ण बलराम के साथ जब सारे सखा मधुमंगल इत्यादि सखा जब गए थे वन में, एक दिन जल्दी चले गए थे तो भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने याज्ञिक ब्राह्मणों के पास भेजा था भोजन मांगने के लिए। तो याज्ञिक ब्राह्मण घी की आहुति दे रहे थे और उन्होंने सुना ही नहीं उनकी बात को, तो मधुमंगल ने वो घी की सांसें जोर जोर से खींच ली तो खाली हाथ वापस आए। तो भगवान कृष्ण ने बोला, भैया कुछ लेके नहीं आए? उसने बोला, लेके आए हम, वहाँ पे वो धुआं उठ रहा था देसी घी का, हमने तो सांस खींच ली और देसी घी का जो धुआं है उसकी सांस खींच के हम ले आए उससे हमारी भूख और बढ़ गई। अब भगवान कृष्ण ने फिर वापस भेजा, जाओ जाकर उनकी पत्नियों से बात कर लो, वो तुम्हें सहयोग करेंगे। तो जो घी है विलासिता की निशानी, बोल रहे हैं कि घी पियो भैया, चाहे कर्जा लेना पड़े चाहे चोरी डाका मारना पड़े। और ये शरीर एक बार ख़त्म हो गया, जल गया, चिता पे लगा दिया, उसके बाद भैया क्या होगा किसको पता है, कौन आ रहा है वापस। ये चार वाक ऋषि के जो अनुयायी हैं उनको अब अचानक आप बोलो कि जीवन का जो लक्ष्य है वो भगवान की अहेतु की अप्रतिहता भक्ति करना है, वो भाग जाएंगे सुनते ही ये बात। तो जो वेद है रेगुलेट करने के लिए, चलो एक लॉलीपॉप दे, धीरे 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 भक्ति में आएंगे, ये वेदों का तात्पर्य है। तो नारद जी कह रहे हैं कि अगर आप समझदार हो तो ये इससे ऊपर उठ के कि जो इंद्र इंद्रियों को नियमित करने के लिए जो वेदों के अंदर निर्देश रखे हैं, छोड़ो यार इनको, आओ ऊपर डायरेक्ट प्रोसेस पे आओ, सीढ़ियाँ सो के जा रहे हो लिफ्ट में चढ़ जाओ और सीधा भगवान की भक्ति करो तो आपको जीवन का परम कल्याण होगा। तो ये जो नारद जी ने अलग अलग निर्देश दिए, असत्संग छोड़ो सत्संग करो इत्यादि, तो नारद जी कह रहे हैं कि ये काम करेंगे तो आपका, आप भी तर जाओगे और जो दूसरे लोग जो आपके साथ जुड़े हैं वो लोग भी, उनको भी आप तार सकते हो। इस विषय में अगर हम देखें तो चैतन्य महाप्रभु भी, उनका भी यही प्रार्थना है, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करे कर परोपकार, कि जो जिसका जन्म हो गया भारत भूमि में उसका कर्तव्य है, दो कर्तव्य हैं उसके, कि अपना जीवन सार्थक करो और फिर परोपकार में भी लग जाओ, लोगों का कल्याण करो। अपना जीवन सार्थक करना अत्यंत आवश्यक है, प्योरिटी इज दी फोर्स। अगर आप शुद्ध होंगे आपकी बात में वजन आ जाएगा, एक बार आप बोलोगे लोगों के दिमाग में बात घुस जाएगी। जैसे प्रभुपाद के एक शिष्य हैं, मैंने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद क्या कभी हम भी शुद्ध भक्ति में लग पाएंगे? प्रभुपाद ने बोला हाँ। वो व्यक्ति, वो भक्त कह रहा है मैं कन्विंस हो गया ये बात सुनने से, मैं शास्त्र पढ़ लेता कन्विक्शन नहीं आती, लेकिन प्रभुपाद ने एक बार बोल दिया कि हाँ भाई हो जाएगा, बस मेरे को कन्विक्शन आ गई। और उसी के ऊपर उन्होंने पिछले 50 साल से वो सेवा में लगे हुए हैं। बेसिकली ये प्योरिटी से आता है कि आपको ये अनुभव अगर हो जाए कि सामने वाले व्यक्ति जाए, ये इसके अनुभव से है, ये ऑलरेडी उस स्तर पे बैठा हुआ है, ये बात अगर दिमाग में घुस जाए ना तो बंदा फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता, फिर तो वो आगे की ओर दौड़ लगा लेता है, अपना जीवन समर्पित कर देता है। और यही प्रभुपाद के साथ में हुआ, जिसने प्रभुपाद को देखा बस जुड़ गए। तो चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों का उपकार करो। दूसरों का उपकार करना जीवन का लक्ष्य है ही, इसमें कोई शंका नहीं है। अहो दैन्यम अहो कष्टान कष्टम पारक्य है क्षण भंगुर है यन न उप उपकुर्याद अस्वार्थेर मर्त्या स्वज्ञाति विग्रह। ये जो शरीर है इसको तो कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे, तो ये जो है जो शरीर है ये मेरा क्या भला करेगा, इसको तो
थोड़े टाइम के लिए इसका इस्तेमाल हो पाता है, नश्वर है, क्षण भंगुर है, ज़्यादा टाइम तक इसको यूज़ भी नहीं कर पाते और किसी भी टाइम ख़त्म हो सकता है। तो ये जो शरीर है, ये शरीर और इसके साथ जुड़ी हुई जितनी भी संपत्ति है, मित्र हैं, परिवार वाले हैं, इन सबको दूसरे के परोपकार में, दूसरे के कल्याण के लिए इसको झोंक देना चाहिए। और वो बोल रहे हैं अगर ऐसा नहीं किया तो यही शरीर, संपत्ति, परिवार वाले, ये हमारे लिए कष्टों का कारण बनेंगे। और भगवान कृष्ण बलराम जी के साथ जब एक बार वन में प्रवेश कर रहे थे गोचारण के लिए, तो उस समय भगवान कृष्ण ने वृक्षों को देखकर ये बात बोली थी बलराम जी को। उन्होंने बोला था, एतावा जन्म साफल्यम देहिनाम इह देहेषु, प्राणेर अर्थेर धिया वाचा, श्रेय आचरणम सदा। कि पहले उन्होंने बोला कि देखो ये वृक्ष, इन्होंने अपना पूरा जीवन देखो सेवा में लगा दिया, पत्थर मारो फल दे देते हैं। तो फिर उन्होंने बोला ऐसे ही जैसे वृक्ष हैं, ये परोपकार के लिए जी रहे हैं, इसी प्रकार से हर जीव का, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो दूसरों के कल्याणार्थ अपना जीवन न्योछावर कर दे, अपनी संपत्ति, अपनी बुद्धि, अपने वचन दूसरों के कल्याणार्थ लगा दे। और श्रील प्रभुपाद इस विषय में बोलते हैं कि अगर आप मनुष्यों के कल्याण के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो और उसमें कृष्ण नहीं है, बेकार है वो, कोई वैल्यू नहीं है, 2 टके का है वो, चाहे आप करोड़ों रुपए खर्च दो उसके ऊपर। और वो करें कि हर कार्य के अंदर कृष्ण को केंद्र बिंदु में लाना ही पड़ेगा, आपको लाना ही चाहिए, नहीं तो कोई भी कार्य है वो सब बोगस है, बेकार है, कोई उसकी वैल्यू नहीं है। कैसे हम उसको लगा पाएंगे? महाप्रभु कह रहे हैं जन्म सार्थक करी, पहले खुद आप अपना कल्याण करो भाई। पहले खुद, अगर आपके हाथ बंधे हुए हैं आप किसी को कैसे खोलोगे? अगर आपको तैरना नहीं आ रहा, आप डूबते हुए को कैसे बचाओगे? तो पहले खुद उस स्तर पे आओ ताकि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, और उस स्तर पे आने के बाद एक्चुअली में जाओ और लोगों की हेल्प करो। कई लोग उस स्तर पे आ जाते हैं भगवान के दया से, वो साधना के बल पर और भगवान का स्मरण करके, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने के माध्यम से उस स्तर पे आ जाते हैं वो कि हाँ चलो ये तर जाएंगे, लेकिन उनमें दूसरों के कल्याण की भावना नहीं आती। लेकिन रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में यही बोल रहे हैं, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि इमाम पृथ्वीम स शिष्यात्। कि आप पहले जो व्यक्ति है उसको पहले खुद ही अपने अपने वचनों पर जो वेग है, बोलने की जो एक उत्सुकता रहती है, उस पे उसको नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने जीवा पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्रोध पर नियंत्रण करना पड़ेगा, अपने उदर उपस्थ अपने जननेन्द्रियों पर उसको नियंत्रण करना पड़ेगा। जो व्यक्ति ये नियंत्रण कर लेगा, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, जो धीर व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति, जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेगा, सर्वान अपि इमाम पृथ्वीम सा शिष्यात्, वो पूरी पृथ्वी में शिष्य बना सकता है, लोगों का उद्धार कर सकता है। तो रूपा गोस्वामी भी बात कर रहे हैं कि पहले अपना कल्याण करो, फिर आप जब इस स्तर पे आ जाओ कि आप दूसरों का कल्याण कर सकते हो, वेल जाओ और दूसरों का कल्याण करो, पूरी पृथ्वी में जाओ और शिष्य बनाओ। आमार आज्ञा है गुरु हया तारे देश, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मेरी आज्ञा है कि तुम गुरु बनो और जाके पूरे संसार का कल्याण कर दो। भक्तिविनोद ठाकुर इस विषय में कह रहे हैं कि जो धीर है, कौन है धीर? जिनके अंदर धैर्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जिनमें धैर्य है वो धीर है। धैर्य की जो ये गुण है, ये अत्यंत
महत्वपूर्ण गुण है। और भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि अगर धैर्य नहीं होगा तो लोग बेचैन हो जाते हैं, भक्ति में जुड़ेंगे लेकिन अगर धैर्य नहीं है बेचैन हो जाएंगे, और जो बेचैन है वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएगा। भक्तिनोद ठाकुर है, क्योंकि तुरंत रिजल्ट नहीं आता ना, अब तुरंत अगर परिणाम नहीं आता बेचैन हो जाते हैं। और बोल रहे हैं कि धैर्य के माध्यम से जो एक साधक है वो पहले खुद को संयमित करता है और वो फिर वो पूरे संसार को संयमित कर लेते हैं, पूरे संसार को कंट्रोल कर लेते हैं। धैर्य का गुण भक्तिनोद ठाकुर कह रहे हैं कि इसके अंदर से इसके अंदर काम करेगा। क्यों हमें अपना उद्धार करना चाहिए और दूसरों का उद्धार करना चाहिए? क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु खुद ही जगह जगह जा रहे हैं, वो लोगों के कल्याण के लिए। महाप्रभु गए वृंदावन दक्षिण भारत, महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी सनातन गोस्वामी इनको भेज दिया वृंदावन, जाओ तुम वहाँ पे जाके उद्धार करो। नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेज दिया लोगों का उद्धार करने के लिए। तो महाप्रभु तो सबको एंगेज कर रहे हैं। और चैतन्य चरितामृत में लिखा है, जीव निस्तारिते प्रभु भ्रमेला देशे देशे। और जो महाप्रभु हैं वो जीवों का उद्धार करने के लिए जगह जगह महाप्रभु जा रहे थे। आप उन्हें आस्वादी भक्ति करीला प्रकाश है, खुद भी आस्वादन कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि अरे तुम हरि नाम करो अच्छे से, अरे तुम ग्रंथों का अध्ययन करो, क्या आप कर रहे हो? भाई मैं तो कर नहीं रहा, बस तू कर ले क्योंकि शास्त्रों का आदेश है। अरे ऐसे नहीं होता, आपको खुद पहले उसका आस्वादन करना पड़ेगा। जब आप आस्वादन करोगे, जब आपको टेस्ट आएगा और आप वो कन्विक्शन, वो अनुभव जो आपने साक्षात आपका अनुभव हो गया करके, जब तब आप किसी को बोलोगे और तुरंत वो व्यक्ति जो है प्रभावित हो जाएगा। प्रहलाद महाराज है, प्रहलाद महाराज ने आस्वादन कर लिया और प्रहलाद महाराज ने भक्ति के बल पर नरसिंह भगवान के दर्शन कर लिए। नरसिंह भगवान कोई हिरण्यकशिपु का वध करने नहीं आए थे, हिरण्यकशिपु तो बाल भी बांका नहीं कर पाया था प्रहलाद महाराज का, वो तो प्रहलाद महाराज को दर्शन देने के लिए, उनके विरह को शांत करने के लिए भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए। तो प्रहलाद महाराज जब भगवान नरसिंह देव को प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि मैं बहुत चिंतित हूँ, मुझे अपने बारे में चिंता नहीं है, मुझे चिंता है जो संसार के बाकी लोग इंद्रिय तृप्ति में भोग में लगे हुए हैं, आपसे विमुख होकर इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, मैं इन लोगों को भक्ति में जोड़ने का, आपके चरणों में लेके आने के लिए क्या उपाय करूं, ये सोचकर मैं चिंतित हूँ। वासुदेव दत्त, वासुदेव दत्त ने तो महाप्रभु को बोल दिया सबके पाप मेरे को दे दो, आप सबको आप ले जाओ, मैं नरक में जलता रहूंगा, वो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन आप चाहते हो ना लोगों का कल्याण करना, तो पाप रोक रहे हैं उनको, पाप मुझे दे दो, मैं देखता रहूंगा अपने आप। चैतन्य महाप्रभु भावावेश में आ गए, चैतन्य महाप्रभु ने बोला अरे भाई तूने ये सोच लिया तो लोगों का कल्याण हो गया, कोई जितने जीव है कोई यहाँ नहीं रहेगा, सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार सब भगवत धाम चले जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु चिंतित हैं। चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु बात कर रहे थे तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि हरिदास कली काले यवन अपार, कि हरिदास जो कली युग है इसमें तो यवन जो हैं, ये जो मुस्लिम्स हैं और जो वेदों को जो नहीं मानते वो लोग जो हैं वो तो अपार, वो तो असंख्य, उनकी संख्या हो जाएगी, गिनती नहीं है उनकी। तो कह रहे हैं गो ब्राह्मणे हिंसा करे महादुराचार, और उनका क्या लक्षण होगा कि वो ब्राह्मणों की और जो गायें हैं उनके प्रति हिंसा करेंगे और अत्यंत दुराचारी होंगे। आप देख लो ये कोरोना वायरस के चलते मतलब बिल्कुल मूर्तिमान रूप में ये श्लोक सामने आके खड़ा हो गया। आज मैं एक
एक फोटो किसी ने भेजी थी, देख रहा था वो फोटो के ऊपर। फोटो में एक जो मुस्लिम है वो हनुमान जी की जो विग्रह है उस पे पैर रख के खड़ा हुआ है। भाई देखो तुम्हारे भगवान ने क्या बिगाड़ लेंगे मेरा। अरे भाई उसको ये पता नहीं है कि ऐसा दुराचार करने के फलस्वरूप सब वंश नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान जब किसी को सजा देते हैं, आवाज़ नहीं आती उसके अंदर, धीरे धीरे काम हो जाता है, पता ही नहीं चलता। जैसे रामचंद्र खान ने नित्यानंद प्रभु का अपमान कर दिया था। पहले हरिदास ठाकुर का अपमान किया, और बढ़ते बढ़ते नित्यानंद प्रभु का अपमान कर दिया, और पूरे गांव समेत और पूरे वंश समेत उसका विनाश हो गया था। तो ये बात समझनी बड़ी आवश्यक है, संयमित रहना चाहिए। तो महाप्रभु कह रहे हैं यार ये दुराचारी हैं, गायों और ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार करेंगे, और जो अत्याचारी का साथ देगा वो भी अत्याचारी है। जैसे अभी महाराष्ट्र में कुछ संतों को पीट पीट के नृशंस हत्या कर दी, तो जिसने की हत्या वो भी दुराचारी है, और जो उनको संरक्षण दे रहे हैं वो भी दुराचारी हैं। पता नहीं उनको इसका क्या फल भुगतना पड़ेगा। आंखें खोल लेनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। यही एकमात्र संभावना है कि जीवन में कुछ कल्याण की भावना आ जाए। तो महाप्रभु बोल रहे हैं यहाँ सवार कौन मते है व निस्तार, इन लोगों का कल्याण कैसे होगा, इन लोगों का उद्धार कैसे होगा। ताहार हेतु ना देखिए ऐ दुख अपार। और मेरे मन में यही दुख है कि मुझे इन लोगों के कल्याण का कोई मार्ग दिख नहीं रहा। वो तो चलो हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु की चिंता को शांत कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने दिखा दिया कि कैसे महाप्रभु की दया से ही ये जो यवन है, ये जो दुराचारी हैं, ये जो गायों और ब्राह्मणों के प्रति अत्याचार में लगे हुए हैं, इन लोगों का भी उद्धार संभव है महाप्रभु की दया से, उन्होंने दिखा दिया। ये पर्पस है महाप्रभु की चिंता को शांत करना, उनकी चिंता को खत्म करना। वो अकेले कितने फल बांट लेंगे, वो महाप्रभु कह रहे हैं कितने बांटूंगा भाई, मुझे लोग चाहिए, मैं अकेले नहीं कर सकता। इनफैक्ट जब चैतन्य महाप्रभु एक बार मिलने आए थे सिद्ध बकुल में हरिदास ठाकुर से, तो उस समय सनातन गोस्वामी भी वहाँ पर रह रहे थे, और क्योंकि उनके पूरे शरीर में झारखंड के जंगलों का गंदा पानी पीने के कारण उनके पूरे शरीर में फोड़े हो गए थे, और उसमें से पस बह रही थी, मवाद निकल रही थी, तो वो सोच रहे थे मैं आत्महत्या कर लेता हूँ, कैसे इस शरीर से महाप्रभु की सेवा करनी चाहिए थी, वो मुझे गले से लगाते हैं तो उनका जो शरीर है सारा दूषित हो जाता है। तो जब ये बात चल रही थी तो उस समय चैतन्य महाप्रभु आए वहाँ पर, और उन्होंने सनातन गोस्वामी को बोला कि देखो भाई तुम ये जो प्रयास कर रहे हो कि तुम आत्महत्या कर लो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम्हारा शरीर मेरी संपत्ति है, और तुम्हारे शरीर के माध्यम से मैंने कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे करने हैं। तो चैतन्य महाप्रभु चले गए, तो फिर हरिदास ठाकुर ने सनातन गोस्वामी को बोला था आमार ऐ देह प्रभुर कार्य ना लागिला। और उन्होंने बोला कि जो मेरा ये शरीर है ये महाप्रभु की सेवा में लग नहीं पाया। हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं 3 लाख नाम रोज ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मेरा शरीर
भगवान की सेवा में लग नहीं पाया और बोल रहे हैं भारत भूमि ते जन्मे ऐ देह व्यर्थ हैला। भारत भूमि में जन्म तो ले लिया लेकिन फायदा क्या हुआ, व्यर्थ हो गया, मैंने इसको महाप्रभु की सेवा में नहीं लगाया। और फैक्ट तो चलो सनातन गोस्वामी ने उनको सांत्वना दे दी थी और सनातन गोस्वामी ने उनको बता दिया था कि वो कितने महान भक्त हैं। तो वो तो चलो दैन्यता वश बोल रहे थे। और श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक जो पहले आप परफेक्ट हो जाओ, पहले आप आदर्श आचरण करो, फिर आप जाकर प्रचार करो। ऐसा नहीं है कि आप तो आपका जो आचरण है वो तो बकवास है और आप जाके प्रचार कर रहे हो। आपने आचार्य प्रभु जीव शिकाए, चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण के द्वारा लोगों को शिक्षा दी है। हमने भी, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम अपने आचरण के द्वारा लोगों को शिक्षा दें। प्रीचर जो प्रीचर है, जो प्रचारक है, उसको बिल्कुल आदर्श व्यवहार करना चाहिए, फिर वो प्रचारक बन सकता है। अगर मैं प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर मैं ही स्मोकिंग कर रहा हूँ, मैं ही अगर सिगरेट बीड़ी पीता हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई तुम मत पियो? तो फिर ये तो वही बात हो गई कि जो मैं कर रहा हूँ तुम मत करना, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम करो। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि तो लोग कहेंगे भैया हम तो तुम्हारे बात क्यों माने, जो तुम कह रहे हो तुम खुद ही नहीं कर रहे, हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुम पहले खुद तो अपनी बात मान लो, फिर हमारे से अपेक्षा करना कि हम बात मानेंगे। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं जन्म सार्थक करें, कि पहले अपना जन्म सार्थक करो। सतरती सतरती, पहले अपना जन्म सार्थक कर लो, पहले खुद उस स्तर पे आ जाओ बाहर निकलने के लिए, फिर आगे बात बनेगी। और चैतन्य महाप्रभु को जब ग्लोरीफाई कर रहे हैं, भागवतम ग्लोरीफाई कर रही है चैतन्य महाप्रभु को, तो सब लोग तो जब भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के वर्णन की बात आती है तो 11:5:32 की बात करते हैं, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त पार्षदम। तो ये 11:5:32 है, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम इससे दो श्लोक बाद की बात कर रहे हैं, माफ कीजिए, 11:5:34। और उसमें 11:5:34 में भागवतम में लिखा है त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुर ईप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ट आर्य वचसा यद अगाधारण्यम माया मृगम दयिता दयिताय ईप्सितम अन्वधावत वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और इसका अनुवाद इस प्रकार है कि हे महापुरुष, चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करके ये बात बोली जा रही है कि हे महापुरुष, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ, आपने लक्ष्मी सदृश अपनी पत्नी का और वैकुंठ सदृश अपने घर का आपने त्याग कर दिया, जो कि दुस्त्यज जिसको त्यागना बहुत ही कठिन है, उसको त्यागा नहीं जा सकता, और जो बड़े बड़े देवी देवता भी ऐसे ऐश्वर्य की कामना करते हैं, और लेकिन उन्होंने बोला कि आप क्योंकि धर्म धर्म के आप स्तंभ हो आप, इसलिए आपने वन में जाना आपने स्वीकार किया एक ब्राह्मण के वचनों के अनुरूप। आप सबको पता ही है कि एक स्मार्ट ब्राह्मण था, वो प्रवेश नहीं हो पा रहा था महाप्रभु का नृत्य देखने के लिए शिवास आंगन में, तो उसने अपना जनेऊ लिया, धड़ से तोड़ के उसने श्राप दिया तुम्हारा भौतिक ऐश्वर्य सब नष्ट हो जाए। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसलिए यहाँ पर बोला गया आर्य वचसा के एक जो ब्राह्मण है उसके जो उसने जो श्राप दिया उस श्राप के उसको इस्तेमाल करके, उसका प्रयोग करके आपने संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया। और कृपावश कृपावश
आप पतित जीवों के पीछे आप ही दौड़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु दौड़ रहे हैं लोगों के पीछे उनका कल्याण करने के लिए, और वो जो लोग हैं वो लोग भौतिक सुख के अंदर इंद्र तृप्ति में जो डूबे हुए हैं। और उन्होंने बोला कि आप एक तरफ तो उनके पीछे दौड़ रहे हो, और उसी समय साइमल्टेनियसली तत्क्षण आप उनके पीछे भी दौड़ रहे हो, और उसी क्षण आप जो है आप अपनी अभीष्ट वस्तु श्री श्याम सुंदर के श्याम सुंदर को भी आप साथ ही साथ उनकी भी खोज कर रहे हो आप। तो यहाँ पर इस श्लोक से भी हम देख सकते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु हैं, पहली बात है कि उनका वर्णन है भागवतम में, और दूसरी बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु खुद भी खोज रहे थे। हे राधे ब्रज देवी के चल लेते, हे नंद शूनो कुता, खुद भी खोज रहे थे, वो खुद भी पूरी तरह से विफल थे, और दूसरों के पीछे दौड़ रहे थे उनको भक्ति में लगाने के लिए, उनको भगवत कृपा कृष्ण प्रेम रूपी फल उनको प्रदान करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद एक बार संन्यास दीक्षा दे रहे थे, तो उस दौरान श्रील प्रभुपाद ने बोला कि तो आप लोगों को समझाने का प्रयास करो। और उन्होंने बोला कि जो जन साधारण है, जो दार्शनिक हैं और जो धर्म ध्वजी हैं, जो सोचते हैं कि हम धर्म के रक्षेदार हैं, ठेकेदार हैं हम, इन सब लोगों को आप जाकर समझाने का प्रयास करो। हम कोई एक संकुचित कोई सांप्रदायिक हम दृष्टिकोण नहीं लेके आ रहे, कोई भी इस आंदोलन से जुड़ सकता है और अपना जीवन सफल बना सकता है, अपना शुद्धिकरण कर सकता है। तो उन्होंने बोला कि मैं आप लोगों से बहुत खुश हूँ। श्रील प्रभुपाद ने बोला आप लोगों ने इस संस्था की, इस कौन संस्था की बहुत आपने सेवा की है, अब आप संन्यास लो और पूरे संसार में जाकर आप प्रचार करो ताकि लोगों का कल्याण हो जाए। तो आप संस्था में रह रहे हो, आप संस्था की सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अपने घर और अपने शरीर के प्रति पूजा लाभ प्रतिष्ठा को आप ठोकर मारो, उसे उसके प्रति उदासीन होकर अब समय आ गया है आप सब लोगों के लिए कि आप आगे बढ़ो और श्रील प्रभुपाद की शिक्षा को, महाप्रभु की शिक्षा को, श्री चैतन्य मनोभीष्टम जो महाप्रभु की इच्छा है, जो प्रभुपाद की इच्छा है, उसको आप पूरी करने के लिए आप कदम बढ़ाओ और लोगों के कल्याण के लिए कल्याणार्थ काम करो। केवल अपना जीवन सार्थक करना पर्याप्त नहीं है, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये जो श्लोक हमने बताया आपको 11:5-34, इतना विचित्र श्लोक है कि ये श्लोक एक ही समय में चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी वर्णन कर रहा है और भगवान कृष्ण के बारे में भी वर्णन कर रहा है और भगवान राम के बारे में भी वर्णन कर रहा है। और हमारे आचार्य कह रहे हैं कि इसी श्लोक को ध्यान में रख के जो भक्त हैं वो चैतन्य महाप्रभु के षडभुज रूप का की पूजा करते हैं, जिसमें चैतन्य महाप्रभु भी समाहित हैं, भगवान कृष्ण भी हैं और भगवान राम भी हैं। जो षडभुज रूप चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को दर्शन उन्होंने दिए थे षडभुज रूप के अंदर, तो इसलिए भक्त जो हैं वो महाप्रभु के षडभुज रूप का पूजा करते हैं, ऐसे हमारे आचार्यों का मत है। भक्तिविनोद ठाकुर इस विषय में बोल रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो परात्म निष्ठा है कि कृष्ण में पूरी तरह से आपकी जो निष्ठा है निवेशित हो गई, ये कई बार गृहस्थ भक्त भी जैसे जनक महाराज हैं वो भी इसका पालन करते हैं, और सन्यासी जैसे सनक सनातन इत्यादि चार कुमार है वो भी इसका पालन करते हैं। दोनों परिस्थितियों में
दोनों परिस्थितियों में बोल रहे हैं कि जो परात्म निष्ठा ये वही रहती है। ये महत्वपूर्ण है कि आप गृहस्थ आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में हो। सवाल यह है कि क्या आप घर में आ सकते हो, या घर में आपकी निष्ठा है, या परात्म निष्ठा, या भगवान में आपकी निष्ठा है। और बोल रहे हैं कि इस परात्म निष्ठा के बिना कोई भी इस अविद्या के इस दुख से भरे महासागर को कोई भी पार नहीं कर सकता। सिर्फ भगवान मुकुंद की सेवा करना ही एकमात्र विकल्प है। और उन्होंने बोला कि व्यक्ति जो है वो जब मुकुंद भगवान मुकुंद की सेवा में लगेगा तो निश्चित रूप से वो इससे पार उतर जाएगा। और यहाँ पर इसको देखने के दो एंगल्स हैं, दो दृष्टिकोण है बाहर निकलने के। तो एक दृष्टिकोण है कि एक भक्त खुद ही पार निकल जाता है, और दूसरा दृष्टिकोण है जो परफेक्ट हो गया वो निकल गया, जो परफेक्ट नहीं है वो क्या कर रहा है। तो पहला दृष्टिकोण, एक जो भक्त परफेक्ट हो गया उसके दृष्टिकोण से आपको एक श्लोक बताता हूँ जो भागवतम दशम स्कंद के दूसरे अध्याय का 31वां श्लोक है। और देवी देवता भगवान कृष्ण को बोल रहे हैं कि स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरम द्युमन भवार्णवम भीमम अदभ्र सौहृदः भवत पदाम भो रूह नावम अत्रते निधाय यातः सद अनुग्रहो भवान। कि हे भगवान, आप सूर्य के समान आप प्रकाश मानो, और आप हमेशा अपने भक्तों का जो अभिप्राय है, अपने भक्तों की इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए हमेशा आप तत्पर रहते हो। और बोला इसीलिए आप एक आपको कल्प वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। और देवी देवता कह रहे हैं कि जब आचार्य आपके चरण कमलों की शरण लेते हैं तो शरण लेते हैं क्यों शरण लेते हैं, इस भवसागर से बाहर निकलने के लिए। और जब वो इस भवसागर से बाहर निकलने के लिए, इस अविद्या के दुखों के महासागर को जब वो पार करते हैं, तो उस समय वो जिस विधि के माध्यम से जब वो पार गए थे भवसागर से, अविद्या और दुखों के भवसागर से, उस विधि को, उस नाव को वो पीछे ही छोड़ के चले जाते हैं। और वो कह रहे हैं देवी देवता की, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हो। दयालु हो किसके प्रति? जो पीछे रह गए हैं, आप अत्यंत दयालु हो। तो आप भी जो है इस जब भक्तों का, जो शुद्ध भक्त हैं जो कि पार जा रहे हैं, सतरती जो पार जा रहे हैं, आप उनके इस प्रोसेस को आप स्वीकार कर लेते हो। आप वो नाव जो है आप वहाँ से हटाते नहीं हो, वो नाव वहीं पर बनी रहती है कि चलो इस पे चढ़ के वो पार गया है, तुम भी चढ़ जाओ, तुम भी पार चले जाना। तो एक जो आचार्य है वो खुद तो पार जाता है और पीछे से वो धरोहर छोड़ के जाता है। और वो धरोहर क्या है? वो धरोहर है पुस्तकें, जैसे श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथ इतने छोड़े। वो धरोहर है भागवत कथा, कृष्ण कथा, जो श्रील प्रभुपाद ने इतने सारे लेक्चर्स, रूम कन्वर्सेशंस प्रभुपाद पीछे छोड़ के गए। वो धरोहर है एक गुरु परंपरा, कि आप भी गुरु परंपरा का हिस्सा बन जाओ और उस गुरु परंपरा में और लोगों को भी नियोजित कर दो, ताकि ये जो श्रृंखला है ये निर्बाध रूप से चलती रहे। और लोगों को भी आचार्य बनाने के लिए इसमें जोड़ो लोगों को। तो ये जो तरीका है, इस तरीके से जो आचार्य है वो पार तो चला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नाव को साथ ही ले जाता है कि भैया मैं आ गया, बस बहुत हो गया, तुम मत आना, वहाँ पे ऐसे भीड़ कर दोगे। तो आचार्य नाव को वहीं छोड़ के जाएगा कि भाई अब तुम भी इसमें चढ़ के फौरन मेरे पास आ जाओ, तो तुम भी उस सुख का अनुभव कर लेंगे जो भगवान के सभी शुद्ध भक्त अनुभव करते हैं। अब जो पीछे रह गए उनका क्या दृष्टिकोण है? तो अवंती ब्राह्मण के संदर्भ में
ये श्लोक बोला गया है, एताम स आस्थाए परात्मनिष्ठाम अध्यासितम पूर्वतमेर महद्भि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुटांग्री निषेव यह। और उन्होंने बोला कि जो ये बाय द वे संन्यास मंत्र है, जब इस्कॉन में किसी को संन्यास दिया जाता है तो ये मंत्र उसको दिया जाता है, भागवतम 11:23-57। तो अगर आप संन्यास लेना चाहो तो इस श्लोक को याद कर लेना, वहाँ पे दोहराना पड़ेगा आपको। जो अवंती ब्राह्मण है वो बोल रहे हैं कि मैं ये जो दुरंत पारम, ये जो अविद्या और दुख से भरा हुआ भव सागर है, और जो ये दुस्तरम है, दुरंत पारम है, बहुत ही असाध्य है इससे पार निकलना। वो कह रहे हैं कि मैं भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह से अपनी निष्ठा को निवेशित करके मैं भी इससे पार चला जाऊंगा। और बोल रहे हैं कि ये जो प्रक्रिया है, अध्यासितम पूर्वतमेर महद्भि, जो महद्भि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं उन्होंने भी इसी प्रोसेस की, इसी विधि की उन्होंने समस्तुति की है। क्या समस्तुति की है? परात्म निष्ठा कि हमें आस्थाय पराम निष्ठा, कि हमें भगवान के चरण कमलों में पूर्ण हमें अनुराग होना चाहिए। तो इस निष्ठा के द्वारा पूर्ववर्ती आचार्य भी पार चले गए हैं और वो यहीं पर छोड़ के गए हैं प्रोसेस। अब मुझे भी इस प्रक्रिया को निष्ठापूर्वक लेना है, आस्थाय पर आत्मनिष्ठा, मैं भी पूरी तरह से अपना मन निवेशित कर दूंगा। और जैसे पूर्ववर्ती आचार्य चले गए थे भगवत धाम, मैं भी इसी प्रक्रिया के माध्यम से मैं भी भगवत धाम चला जाऊंगा। और जब मैं भगवत धाम जाऊंगा तो क्या होगा, पीछे ये जो नाव है भगवत धाम ले जाने वाले, इसको यहीं पर छोड़ के जाऊंगा, ताकि मेरे जैसे और लोग भी इस नाव में चढ़कर वो भी भगवत धाम पहुंच जाए। तो ये पूरी चेन है, आप देखिए ये पूरी चेन है। जो आचार्य हैं, जो साधु हैं, वो भी भगवत धाम जा रहे हैं, और पीछे वो उस नाव को छोड़ के जा रहे हैं जिसमें आप हम जैसे लोग चढ़ के हम भी जा सकते हैं, और हम भी नाव को साथ नहीं लेके जाएंगे, हम भी गुरु परंपरा को वहीं पर हम और मजबूत करके हम उसको छोड़ के जाएंगे, ताकि और सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों लोग इस नाव में चढ़कर वो भी उसी सौभाग्य को प्राप्त करें जो प्रभुपाद की दया से, उनके शिष्यों की दया से हमें जो अवसर प्राप्त हो रहा है। इसको यहीं पे विराम देता हूँ, एक प्रश्न देख लेता हूँ कोई प्रश्न है या नहीं है। How to keep on remembering this instruction of acharyas at every condition of life? तो कैसे हम आचार्यों की जो ये शिक्षा है, इसको हम कैसे हर क्षण इसको हम याद रख सकते हैं, इसको हम हर क्षण याद रख सकते हैं अभ्यास के द्वारा। और वो अभ्यास हम कैसे कर पाएंगे? वो अभ्यास हम कर पाएंगे जब हम अपने जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, गुरु हैं, और वरिष्ठ वैष्णव का जब हम संग करेंगे, जो हमारे समकक्ष भक्त हैं, जिस स्तर पे हम हैं उसी स्तर पे दूसरे भक्त हैं, उनका संग भी महत्वपूर्ण है। उससे उत्साह बना रहता है, एक दूसरे को हौसला दे के आगे बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर आपने भक्ति में प्रोग्रेस करनी है, उन्नति करनी है, आपने गंभीरता लेके आनी है, निष्ठा लेके आनी है, तो जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उन्नत भक्त हैं, गुरु हैं, उनका संग आपको करना ही पड़ेगा। जितना आप उनका संग करोगे, जितना उनके संग में आप भक्ति का अभ्यास करोगे, धीरे धीरे ये जो शिक्षाएं हैं ये आपके जीवन में जैसे अंकित हो जाएंगे। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिलते पड़त निशान। कि हम मान लिया कि हम एक पत्थर की तरह हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह बुद्धि है, लेकिन बार बार जब रस्सी, जो गुरु की शिक्षा रूपी रस्सी है, जब बार बार उस पत्थर रूपी हमारे चेतना पर चलेगी तो अवश्य वो निशान छोड़ जाएगी। और जब वो निशान छोड़ेगी तो आपको पता है वो निशान मिटाए नहीं मिटता, और वो निशान सदैव
आपके हृदय पर अंकित हो जाएगा। तो क्या इलाज है? इलाज है कि वरिष्ठ वैष्णव का और गुरु का अधिक से अधिक उनका वपुर वाणी संग करना चाहिए। इनिशियल स्टेज में जब हम भक्ति में इतनी हमारी निष्ठा नहीं होती, उस समय वपु संग ज़्यादा करना ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम जितना वपु संग करेंगे वरिष्ठ वैष्णव का, उतना ही हमारे हृदय में निष्ठा बढ़ेगी। और सारी बात निष्ठा की, सारी बात श्रद्धा की है। प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। इसको यहीं पर विराम देते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।